सो फाइनली दोस्तों, हमने यहाँ पर केवल 15 आर्टिकल डाले थे और 15 आर्टिकल डालने के बावजूद भी हमें यहाँ पर 24 घंटे के अंदर अंदर एडसेंस का अप्रूवल मिल चुका है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 घंटे पहले ही हमें यहाँ पर एडसेंस की तरफ से मेल आया है कि हमारी जो साइट है technologynews.com ये अप्रूव हो चुकी है। और यहाँ पर भी आप लोग देखो कि मैं अपनी साइट के डैशबोर्ड में हूँ और ये रहा हमारा डोमेन नेम, ठीक है ना, और ये रही हमारी साइट और ये रहा हमारा एडसेंस का अकाउंट। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर अप्रूवल मिल चुका है। मैं पेज को एक बार रिफ्रेश करके भी आपको अगर चेकआउट करा देता हूँ। और दोस्तों, ये जो हमें अप्रूवल मिला है ये मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर मिला है, मतलब कि 24 घंटे भी नहीं हुए थे उससे पहले ही हमें यहाँ पर अप्रूवल मिल चुका है, ठीक है ना। तो पेज रिफ्रेश हो रहा है। तो दोस्तों, मुझे किस तरीके से अप्रूवल मिला एंड हमने किस तरीके के आर्टिकल डाले हैं, ठीक है ना, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस, यहाँ पर पेज रिफ्रेश हो चुका है आप लोगों के सामने और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो साइट है वो रेडी है, यानी कि अप्रूव्ड है, ठीक है ना। तो गाइस, यहाँ पर किस तरीके से मैंने आर्टिकल्स डाले, कैसे मुझे अप्रूवल मिला, सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग पूरी वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करूँ उससे पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोग आगे आने वाली कोई वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल मिस ना कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर केवल 15 आर्टिकल डाले हैं और 15 आर्टिकल डालने के बाद भी हमें यहाँ पर एडसेंस का अप्रूवल मिल चुका है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये हमें कैसे मिला, अब आप लोग वो यहाँ पर समझ लो। सो गाइस, तो ये मैटर नहीं करता कि आपके साइट पर 20 आर्टिकल होंगे, 30 आर्टिकल होंगे तभी आपको अप्रूवल मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर ब्लॉगर यही कहते हैं कि आपके साइट पर 20 आर्टिकल होने चाहिए तभी आपको अप्रूवल मिलेगा। तो गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके साइट पर 10 आर्टिकल भी हैं, 15 आर्टिकल भी हैं, तब भी आपको अप्रूवल मिलेगा। बस आपके कंटेंट में दम होना चाहिए, आपके कंटेंट में क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। 100% आपको 24 घंटे के अंदर अंदर अप्रूवल मिल जाएगा। एंड गाइस, यहाँ पर जो भी आप कंटेंट डालो वो दूसरी साइट से हटके डालो, बहुत ज़्यादा यूनिक डालो, ठीक है ना, क्योंकि गूगल उन्हीं साइट को ज़्यादा प्रेफर करता है, उन्हीं साइट को ज़्यादा आगे ले जाता है जो कुछ यूनिक लेकर के आते हैं। अब वो चाहे आप लोग वेबसाइट के थ्रू लेकर के आओ या यूट्यूब के थ्रू लेकर के आओ, जो भी चीज़ यूनिक आप लेकर के आओगे उसमें आप लोग ग्रो कर जाओगे, ठीक है ना। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर करी है। हमने जितनी भी चीज़ें यहाँ पर मतलब कि बताई हैं वो कंप्यूटर रिलेटेड बताई हैं और कंप्यूटर में हमारे लिए सब बहुत अच्छी नॉलेज है, क्योंकि इसके एक एक पार्ट के बारे में हम लोगों ने सीखा हुआ है एंड उनको हमने अपने शब्दों में यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जैसा कि हम आपको फर्स्ट ये आर्टिकल दिखा देते हैं, व्हाट इज़ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड टॉप 8 कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। तो इस आर्टिकल को मैं ओपन करके आपको एक बार चेकआउट करा देता हूँ कि हमने इसमें किस तरीके से वैल्यू प्रोवाइड कराई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग हमारा एक एक आर्टिकल पढ़ करके देख लीजिएगा, देन आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरीके से आर्टिकल्स वगैरह लिखे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखो यहाँ पर, और इसका प्रॉपर हमने SEO सब कुछ किया है, ठीक है ना। यहाँ पर कंप्यूटर टाइप्स और मेन्यू बार भी हमने अच्छी तरीके से बनाए हैं और आप लोगों को यहाँ पर पेजेस जरूर बना लेने हैं, क्योंकि जो अप्रूवल होता है वो पेजेस के बिना आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। बाकी ज़्यादा आप लोग इसमें किचपिच मत करें, बिल्कुल सिंपल सी साइट रखें अपनी, कुछ ज़्यादा इसमें हमने नहीं कराया। आप लोग यहाँ पर देख लो, सिंपली हमने जेनेट प्रेस थीम इस्तेमाल की है जो प्रीमियम वाली है, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर आप लोग देखिए कि हमने यहाँ पर जो है आर्टिकल जो है लिखे हैं वो कंप्यूटर रिलेटेड ही रखे हैं। अब जैसे कि ये एक आर्टिकल है, व्हाट इज़ रोम एंड हाउ डज इट वर्क, इसको हमने ओपन किया। अब हमने यहाँ पर प्रत्येक जो आर्टिकल है वो करीब 1500 से लेकर 2000 वर्ड का लिखा है और इससे आगे का ही लिखा है। 1500 वर्ड का हमारा जो आर्टिकल है एक भी नहीं आपको मिलेगा, सारे के सारे 1500 वर्ड से ऊपर के आर्टिकल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। आप लोग आकर के एक बार चेकआउट भी कर सकते हैं। कुछ आर्टिकल होंगे जो हमने 1000 या 1200 वर्ड के लिखे हैं, वरना सारे के सारे 1500 वर्ड के हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर 3 से 4 काम करने हैं। सबसे पहला काम कि आपको करीब 10 से 15 आर्टिकल डालने हैं एंड उनमें क्वालिटी प्रोवाइड करानी है आप लोगों के लिए, और पर आर्टिकल आपका 1500 से लेकर 2000 वर्ड का होना चाहिए। दूसरी बात, आपकी साइट का जो स्ट्रक्चर है बहुत ही नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है, चाहे आप लोग ब्लॉगर पर बनाओ या फिर वर्डप्रेस बनाओ। उसके बाद तीसरा जो काम आपको करना है वो करना है कि आप लोगों के पेजेस बहुत ही अच्छी तरीके से सही होने चाहिए, ठीक है ना, और आपकी साइट का जो डिज़ाइन है वो तो होना ही चाहिए बढ़िया, जैसे मेन्यू बार वगैरह ये हो गया। बाकी यहाँ पर कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है, बस 20-30 दिन आपका जो डोमेन है वो ओल्ड होना चाहिए और पर डे आपको 1 या 2 आर्टिकल पब्लिश करना है। अगर आप 3 दिन के बाद भी पब्लिश करोगे तब भी कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको कंटिन्यू रहना है, सप्ते में 3 या 4 आर्टिकल आपको पब्लिश करने ही करने हैं, ताकि गूगल को लगे कि हाँ ये बंदा रेगुलर है अपनी साइट पर। अब बहुत सारे बंदे ये करते हैं कि एक दिन में 20-30 आर्टिकल डाल देते हैं और उनको अप्रूवल नहीं मिलता है, वो 2 से 3 वीक हो जाते हैं नहीं मिलता है और लास्ट में यही रिजेक्शन का मेल आता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, आपको पूरे रूल्स फॉलो करने हैं तभी आप लोग उसको अचीव कर पाओगे, ठीक है ना। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें हो गई, आई होप आप लोग को पता चल गया होगा एंड आपको पता पहले भी होगा लेकिन आप लोगों ने कभी ट्राई नहीं करा होगा, तो अभी ट्राई करके देखिएगा इस, आई होप आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और कोई इशू हो आपका
एडसेंस अप्रूवल से लेकर तो मुझे बताइएगा, डेफिनेटली उस पर वीडियो हम अलग से बना देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।